मुसीबत कह रहे हो, जिसे तुम आफत कह रहे हो, जिसे तुम मुश्किल कह रहे हो, जिसे तुम अपने लिए इम्तिहान पसंद कर रहे हो, जिसे तुम अपने लिए पना मान रहे हो, शायद इसी में तुम्हारे लिए नेमत हो, शायद इसी में तुम्हारे लिए आफियत हो, शायद इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी हो, शायद इसी में तुम्हारे लिए इज्जत हो, जैसा कि हमारे प्यार में इमाम हजरत इमाम हजरत नहीं है सलाम ने फरमाया। इस सब इजाफा के बाद ना कभी तो हमारे सुनने इजाफा को बढ़ाया जाए जहां कमी हो,
वहां रहा होगा जहां कमी हो। हकीकत में उस इज्जत से लोग वाकिफ हुए, लोग समझदार हुए। अब यजीद के सामने मसला यह था, और अगर इससे पहले तंग कर देता तो शायद कोई आवाज ना होती, लेकिन अब पूरा शाम जान चुका है कि कौन है। लिहाजा उसके लिए मुश्किल यह है कि वह अपना कर भी नहीं कर सकता। लिहाजा क्या फायदा है, लिहाजा उसने जिंदा नहीं को डाला, पैसाने में रखा, पैसाने में रखा, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि इनके साथ करे क्या। इंटरव्यू के साथ जैसे जैसे वह गुजरता जा रहा है और पूरे शाम में ये तहखाना पहले वैसे इस मतलब आरत की मोहब्बत और अकीदत का मरकज बनता जा रहा है। इसी शाम में यही तहखाना कि जिस तहखाने में इनको रखा पहले वैसे की मोहब्बत और अकीदत का मरकज बनता जा रहा है। जिस शाम में अमीर उल्मोमिनीन को मिंबरों से गालियां दी जा रही थी, अहले बैत को तो तहारत की शान में नाजेबा कलिमात कहे जा रहे थे, आज उसी शाम में आज यजीद की तारीफ करने वाला कोई नहीं है। और जब दरबार जब कैदखाने के सामने से कोई गुजरता है तो जरूर अहले बैत की मजलूमियत को मजदूर आंसू बहा लेता है और उनकी गुर्बत और उनकी मुसीबत को याद कर लेता है। लिहाजा यजीद ने इख्तियारी हालत में नहीं मजबूरी में इनको रिहा किया, मजबूरन छोड़ना पड़ा उनको। अब जब रिहाई मिली तो इस रिहाई के बाद एक जोरदार तमाशा और बनाया। चौथे इमाम जनाबे ज़ैनब की खिदमत में आए, उनके अम्मा यजीद ने हमें रिहा किया, क्या इरादा है। जनाबे सानिया ज़ैनब फरमाती, बेटा यजीद से कहो कि शाम में मकान खाली करा दे ताकि हम अपने भैया का दम बना सके, ताकि हम अपने भैया को रो सके। मैं कहूंगा बीबी अगर आपको बिरयानी करना था, रोना नहीं था तो करबला से तंग थी, आप शाम से करबला पहुंचती, करबला पहुंचते दिल खोल के इमाम का दम बना करती होती है, क्या गलती करती मदीने जाकी मान के ऊपर क्रिया करती है। इसका आते होगा आते अजीजो आलम गुर्बत में परदेश में जब कोई दुनिया से रुखसत हो जाता है और जो वर्षा होती है उनकी कोशिश ये होती है कि कितनी जल्दी अजीजों से मिले और कोई अजीज उन्हें उनके सीने से लगा के उनको तसल्ली दे दे, दिलासा दे दे ताकि उसका कम हल्का हो जाए। मैं अभी इस मंदिर से गुजर चुका हूं, अभी कुछ ज्यादा ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 3 महीने हुए। अगर बयान करें कि क्या गुजर गई,
क्या हालात थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, अदाकारों का तबूर करो, जिस बहन का पूरा घर गुजर गया हो, जिसके सारे भाई मारे गए हो, जिसके सब बेटे दुनिया से चले गए, जिसके सारे अजीज और खुदा सब उत्तर हो गए, उस बहन के दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या उस बहन का दिल नहीं चाहता होगा कि कितनी जल्दी हो सके और सुखा को मिले लगा दे, क्या इन रुपयों का दिल नहीं चाहता होगा, क्या चौथे माह का दिल नहीं चाहता होगा कितनी जल्दी रास्ते मदीने पहुंचे और हमें अपने चचा मोहम्मद हमें दिया आगे उनको तसल्ली दे दे, कितनी जल्दी रास्ते मदीने पहुंचे और उन मुलमी के साथ बैठ के अपना मकान खाली करवा दिया जाए, हकीकत की आपने मकान नहीं खाली करवाया है, आप गम चाहती करवाना में बना सकती थी, गम चाहती तो मदीने में बना सकती थी, ये शाम में मकान खाली करा के और शाम ही में भाई का सर्व बना के यजीद जो बड़े सुसन तराचा वाला है, यजीद जिस मेरे भाई को पत्र करके तू ये सोच रहा है कि तूने हमारे दिल को खत्म कर दिया और हमारे नाम को मिटा दिया, तो याद रख ना तो हमारे नाम को मिटा सकता है और ना हमारे दिल को खत्म कर सकता है, देश के ही हिमाचल कहानी में कैसे मेरे भाई का जिक्र हो रहा है, देश के ही कारोबार जगत में कैसे मेरे भैया का नामन किया जा रहा है, देश के ही हिमाचल कहानी में किस तरीके से लोग सियाह फोर्स होके हमें ताजियत देने के लिए आ रहे हैं, ये दूसरा तमाशा था खानी लहरा का, कहते कागला शाम से मदीने के लिए रवाना हुआ, जब एक टोरा है ऊपर पहुंचा कि जहां से एक रास्ता सीधे मदीने जाता था और एक करवला होके जाता था, तो चौथे इमाम जनाबे ज़ैनब की खिदमत में खुफिया अम्मा क्या इरादा है, सीधे मदीने चलेंगी या करबला होगी, ज़ैनब तड़प गई, भैया बेटा जब हम करबला से चले थे तो लाशें देखी है, कब्रें नहीं देखी, हमने लाशों को देखा था, हमने अपनी कब्रों को नहीं देखा है, मेरा वजीर तो बहुत ही करबला होकर चले, लीजिए काफिला करबला पहुंच गया, तीन दिन तक करबला में वाह हुसैना वाह मजलूमा की जबानें तड़प रही, और तीन दिन के बाद ये काफिला अब करबला से मदीने की तरफ जा रहा है, कैसी कैसी मंगे होंगी दिलों में, कैसे कैसे ख्यालात होंगे मैं बयान नहीं कर सकता हूं, अदाकारों कहते भी जिस वक्त दाखिला जा रहा था और सारी बीबियां महलों में और हवालियों में बैठ गई तो ज़ैनब ने देखा कि एक बीबी कब्र हुसैन से लिपटी हुई आवाज दे रही है, मेरे भाइयों वाले अरे मैं किस तरह बनी गई जवाब हूं, बरसानी ज़ैनब नहीं मानी, शाना हिलाना बाबा सब सवार हो गए, तो तुम्हारा ही इंतजार है, पर बाबा तड़प गई और तरफ की बेटी है ज़ैनब, तुमको मदीने जाना मुबारक, जो भी जा रहा है मदीने उसका सोलह तरह तो मदीने में है, लेकिन आज रवाज किसके सामने जाए, मेरी बेटी शाम में सो गई, मेरा बेटा अपने बाप के सीने पर और मेरा वाली और वाली स्तर वाला मेरा आराम कर रहा है, अदाकारों का बिना करबला से मदीने के लिए रवाना हुआ, कहते हैं कि जिस पर मदीने के दर दीवार पे जनाब और मजनू की नजर पड़ी है, एक अजीब मरसिया का बहुत लंबा और सुनहरी मरसिया है, ये उस मरसिये का खाली एक शेर है जो आपको सुनते रहते हैं कि मदीने को सब जनाब रास्ता पर ही मानवा एक
अलम को लिया और अलम लेके मदीने में सजा देता जा रहा था। अगर कहते हैं काफिला मदीने पहुंच गया
जिस वक्त अहले मदीना इस्तकबाल के लिए आए हैं, एक मरतबा इन्हीं इस्तकबाल करने वालों में चौथे इमाम के चचा जनाब मोहम्मद हनफिया भी हैं। इन्हीं इस्तकबाल करने वालों में जनाब सोहरा भी है। इन्हीं इस्तकबाल करने वालों में जनाब उमर मनीन भी है। कहते हैं जब ये सब आप मिले की तरफ पढ़ रहे थे और चौथे इमाम खैमे में बैठे हुए थे, खैमे में मदीने वाले आ रहे थे। इन मदीने वालों को क्या क्या बयान करूंगा, अगर तो मेरा चौदह सौ साल गुजर गए। इस चौदह सौ साल के बाद जब आप इमाम की रुख्सत सुनते हैं, इमाम की शहादत सुनते हैं, कितना सलाम करते हैं, जबकि चौदह सौ साल का ये अंसा गुजर गया। जबकि साकिब किताबें पेश के बयान करता है, साकिब उलमा को सुन के बयान करता है। अरे जहां साकिब हो किसने अपनी हाथ पहुंचे देगा, जहां बयान करने वाला वो हो कि जिसने पहाड़ के चेहरे पे चलते हुए संघर्ष को देखा, जहां बयान करने वाला वो हो कि जिसने खूबियों के तरफ से चादरों को उतरते देखा। शायद यही वजह है कि जिस पर मोहम्मद हनफिया आए हैं तो काफिले को देख के कैसे सियाह परचम देखे हैं, गम की फिजा देखी है। पर एक मरतबा सियाह परचमों को देख के और गम की फिजा देख के गश खा गए। और जब गश खा के गए चौथे इमाम आगे बढ़े और चौथे इमाम को सहारा दिया, कहते हैं मोहम्मद हनफिया उठे तो इमाम आवाज देखे जा रहे थे, चचा जरा अपने को संभालो, चचा जरा अपने को संभालो। तो मोहम्मद हनफिया कहते थे अरे तुम कौन हो, तुम कौन हो जो हमें बार बार चचा चचा करके पुकार रहे हो। और एक मरतबा चौथे इमाम कहते चचा अरे मैं आपका भतीजा सैयद है सच्चा। मोहम्मद हनफिया कहते ए बेटा कि तुम्हारे पांच बच्चे कैसे हो गए, अरे तुम बूढ़े कैसे हो गए, अरे चौबीस साल का जवान ये आज कैसे बूढ़ा दिख रहा है। चौथे इमाम कहते ए चचा आप में सारी खुशियों की चादरों को उतरने का तस्करा सुना, आपने सारी मेरे बाबा के गले पे खंजर चलने की बात सुनी। ए चचा कैसे मेरी कमर न झुके, कैसे मैं मरीज न हो जाऊं।